माँ ने बोला थोड़ी छोटी सी बातों में आ जाते हैं कि पक्षी का जोड़ा चाँच में चावल लेके और हमारे वो धार्मिक भाषा बोलते हैं जिससे आप सदाचारी संस्कारी धर्म व देश की निर्माण में सहयोग दे सके। महारथीकरण का नाम दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है। वह किसी यासक को कभी निराश नहीं होने देते थे। ऐसे ही श्री विजय लब्धि धार्मिक पाठशाला की है। यहाँ के अध्यापकगण भी किसी को निराश नहीं होने देते। लोकमान्य तिलक ने कहा है कि अच्छी पुस्तक के साथ मैं नरक में भी रहना पसंद करूंगा, क्योंकि उनमें नरक को भी स्वर्ग में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नास्तिक को भी आस्तिक बनाने के लिए ये पाठशाला सत्संग अपनी सक्षमता रखती है। करने के लिए देश को सच्चे नागरिक, राष्ट्रभक्त, देशभक्त और धर्मनिष्ठ की भेंट देने हेतु ही इस पाठशाला का जो प्रारंभ हुआ 87 वर्षों से करीबन 10,000 से ज्यादा अभ्यासकों ने यहाँ पर अभ्यास किया है। करीबन 100 जितने संयम मार्ग पर भी आगे बढ़े हैं। अनेक गांव नगरों में, चाहे बंबई जैसा नगर हो, हुबली हो, अनेक जगह पर यहाँ से पढ़े हुए बच्चे उस पाठशालाओं के अंदर बहुत ही सबको ज्ञान देने हेतु, उनको संस्कारी बनाने हेतु प्रयत्न कर रहे हैं। और आज भी सुबह से लेकर सुबह 7 बजे से जो प्रारंभित होती है और रात को करीबन 9 बजे तक अखंडित से पूरे दिन पर अभ्यासकों को सूत्र का, अर्थ का, काव्य का वगैरह सब सारा शास्त्रों का ज्ञान पढ़ाया जाता है। ज्ञान सार जैसे गहन ग्रंथ, योग सार, योग शतक, योग विंशिका, योग दृष्टि समुच्चय आदि अनेक ऐसे ग्रंथों की भी अभ्यास करने वाले अभ्यासक भी यहाँ पर हुए। तो इस तरह से इस पाठशाला का सारी हिंदुस्तान के अंदर प्रथम श्रेणी का नाम है। 4-4 अध्यापक जो पूरे समय के लिए यहाँ पर योगदान भी देते हैं और साथ में आदिनाथ संघ के द्वारा संचालित इस पाठशाला के ट्रस्ट मंडल प्रत्येक व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग रहता है, ताकि उसके आयोजन के लिए भी उसमें भाग लेने हेतु भी लोगों को 12-12 महीना उसके अंदर इंतजार करना पड़ता है और हर व्यक्ति तन मन धन से खूब भाग लेता है। पाठशाला के प्रति सबको भी खूब खूब खुशी है। ऐसी पाठशाला अब शताब्दी की ओर अग्रसर होने जा रही है, तो उसके लिए भी सब हमारा ट्रस्ट मंडल भी पूरे प्रयत्न कर रहा है। जो हम भी यहाँ पर 47 ईयर से यहाँ पर कार्यरत है और हमने पाठशाला के जिस समय में करीबन 30 अभ्यासक थे, 30 अभ्यासकों से इस पाठशाला के करीबन 1400 तक संख्या बढ़ी थी।